कोविड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी है, वहाँ पे पावर बैकअप के डबल अरेंजमेंट्स किए गए हैं और साथ ही साथ वहाँ पे सिलेंडर्स भी अदर देन सेंट्रल लाइन हमने एक्सेस सिलेंडर्स भी वहाँ पे हर बेड के साथ एक बैकअप सिलेंडर वहाँ पे रखा है ताकि किसी भी तरह का कोई भी पावर फेलियर अगर होता है तो किसी भी पेशेंट की ऑक्सीजन सप्लाई में कोई कमी नहीं हो। डॉक्टर्स की ड्यूटी भी आज से लेके अनटिल फर्दर ऑर्डर्स हमारा पूरा स्टाफ और सारी डॉक्टर्स की टीम ऑन ड्यूटी रहेगी जब तक ये साइक्लोन द्वीप को क्रॉस करके सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगी। आज शाम को 8 बजे इसका लैंडफॉल एक्सपेक्टेड है जिसमें 150 से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये साइक्लोन हिट करेगा और कई लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है, घरों में पानी भर सकता है। इसलिए जो भी ऐसे कच्चे घर थे या जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है ताकि वहाँ पे कहीं पे पानी अगर भरता है तो वो साइक्लोन ख़त्म होने के बाद निकल जाए, किसी भी तरह का ह्यूमन लॉस या किसी भी तरह का एनिमल लॉस ना हो। इसलिए लोगों से अपील है कि वो या तो अपने किसी अगर उनके कोई और पक्के घर हैं जो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है वहाँ शिफ्ट हो जाएँ या जो सरकार की तरफ से 6 शेल्टर कैंप शुरू किए गए हैं वो वहाँ पर इमिजिएटली शिफ्ट। डीआरएफ की अभी 50 लोगों की 2 यूनिट आए हैं और आर्मी की तरफ से भी करीब 100 से 120 लोगों की 2 यूनिट आने शाम तक आने की आईएमडी के लेटेस्ट वार्निंग के हिसाब से एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तौते दीप में आज रात के 8 बजे हिट करने वाला है 17 तारीख की शाम 8 बजे और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बहुत ही एक्सट्रीमली हाई विंड स्पीड 180 से 190 किलोमीटर पर आवर जो कि 210 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो आज दोपहर से एक्सपेक्टेड है। ये इस साइक्लोनिक स्टॉर्म में जितने भी थैच्ड हट्स रूफ्स हैं उनमें डैमेज एक्सपेक्टेड है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके प्रशासन ने करीब 250 घरों को इवैक्यूएशन करवाया है, करीब 1200 लोगों को शिफ्ट कराया गया है, 6 शेल्टर होम्स एक्टिवेट किए गए हैं। साइक्लोन के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए भी कंटेनमेंट जोन वाले लोगों के लिए अलग शेल्टर रूम्स बनाए गए हैं और नॉन कंटेनमेंट जोन वालों के लिए अलग शेल्टर रूम्स बनाए गए हैं। फिशरमैन वार्निंग भी दे दी गई है, कोई भी फिशरमैन सी में नहीं रहेगा, किसी भी तरह की फिशिंग एक्टिविटी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं अलाउड की जाएगी। NDRF की 2 टीम्स यहाँ पर आ चुकी हैं और इंडियन आर्मी से भी 2 टीम्स आज शाम को यहाँ पर आने वाली हैं। ये प्रिपेयरनेस मेजर्स यहाँ पे लिए गए हैं और लोगों से हमारी ये अपील है कि वे अपने घर रहें, किसी भी रीज़न से वो बाहर ना निकले अनलेस कोई मेडिकल एमरजेंसी हो। हमारी तीनों हेल्थ फैसिलिटी CHC, PHC और गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्टिवेटेड रहेंगी 24 आवर और लोगों को अपने घरों में रहना है और किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, खिड़कियों को बंद रखें, किसी भी जानवर को बांध के ना रखें। जब विंड स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से तेज़ की होगी तो यहाँ पे पावर शटडाउन किया जाएगा, तो लोग अपने बैटरी, अपने पावर बैंक्स, अपने फ़ोन को चार्ज रखें, टॉर्चेस और ऐसी अन्य बैटरी ऑपरेटेड चीज़ों को पहले से चार्ज रखें, किसी भी तरह का पैनिक ना हो बट हमारे प्रिपेयरनेस मेजर्स पूरे हों, यही हमारी कोशिश है। यहाँ पे मिनिमम डैमेज के साथ हम लोग और लोगों के सहयोग के साथ इस कैलामिटी को भी हम लोग ओवरकम कर पाएँ, तो ये हमारा एफर्ट चालू है। कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर अभी ट्रांसफर किया गया है? हमारे 6 शेल्टर होम्स में 250 लोग अभी रह रहे हैं और इवैक्यूएशन की जो भी कोई भी जिनके घर थैच्ड हट्स हैं या कोई टिन शेड की कोई भी मकान है वो जो कि ऐसी चीज़ें अक्सर प्रोजेक्टाइल बन के लोगों को हिट कर सकती है उसको भी एंकरिंग किया जा रहा है और उन लोगों को हम लोग शिफ्ट करके शेल्टर रूम्स में डाल रहे हैं।
આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે. ધન્યવાદ.